नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में है मई माह के टॉप 50 करेंट अफेयर्स के प्रश्न, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, बेलग्रेड इंटरनेशनल बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है। दोस्तों इस खिलाड़ी का नाम है सुमित सांगवाल। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री पवन चावलिंग भारत के सबसे अधिक समय तक सत्ता में रहने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों यह सिक्किम राज्य के हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने 11वीं बार बार्लिंग ओपन खिताब अपने नाम किया या जीता है। दोस्तों इसका आंसर है राफेल नाडाल ने, इन्होंने 11वीं बार बार्लिंग ओपन खिताब जीता है। इसके बाद अगला प्रश्न, किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी मकड़ी खोजी गई है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा देश हवाई यात्री यातायात के लिए सबसे तेजी में उभरने वाला दूसरा देश बन गया है। दोस्तों वह दूसरा देश है भारत देश बन गया है। इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के गृह मंत्रालय को संभालने वाले पहले दक्षिण एशियाई कौन है। दोस्तों उनका नाम है साजिद जावेद। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत दक्षिण अफ्रीका व्यापार शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहां पर किया गया। दोस्तों यह किया गया है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, गोवर्धन योजना का शुभारंभ किस राज्य से हुआ है। दोस्तों इस आंसर है हरियाणा राज्य से। इसके बाद अगला प्रश्न, भारतीय हॉकी टीम के नए कोच किसे बनाया गया। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हरेंद्र सिंह को बनाया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, 9वीं बार भारत जापान ऊर्जा वार्ता किस शहर में संपन्न हुई है। दोस्तों इस आंसर है नई दिल्ली में संपन्न हुई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विजय प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है। दोस्तों वह राज्य राजस्थान। इसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना में कौन सा विमान शामिल किया गया है। दोस्तों उस विमान का नाम है डाकोटा DC-3 BP-905। इस विमान का नाम है जो कि वायुसेना में शामिल किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्टार खेल महाकुंभ का शुभारंभ किस शहर में किया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है यह धर्मशाला में स्टार्ट किया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद अगला प्रश्न, किस देश में अपना टाइम जोन बदलकर दक्षिण कोरिया के अनुरूप किया है या दक्षिण कोरिया के समान किया है। दोस्तों इस देश का नाम है उत्तर कोरिया। अब यह दोनों देशों का समय एक ही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, नासा का इनसाइट मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए मदद करेगा। इसका आंसर है मंगल ग्रह के अध्ययन को। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला स्पेशल ट्रेन ने 26 वर्ष पूरे किए हैं, यह किस रेलवे जोन में चलती है। दोस्तों यह पश्चिम मध्य रेलवे में चलती है। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। दोस्तों इनका नाम है प्रदीप कुमार सिन्हा को। इसके बाद अगला प्रश्न, 15वें एशियाई मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भारत देश में संपन्न हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न, किस राज्य में दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी चट्टान खोजी गई है। किस राज्य में दुनिया की सबसे पुरानी
दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी चट्टान खोजी गई है, तो वह राज्य उड़ीसा राज्य में खोजी गई। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोस्टा रिका देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली। तो दोस्तों यहाँ के नए राष्ट्रपति हैं कार्लोस अल्ब्रांडो। इसके बाद अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए किस देश ने नया उपग्रह लॉन्च किया है, नया उपग्रह लॉन्च किया है। तो किसने किया दोस्तों, चीन देश ने किया है। इसके बाद अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2018 की थीम क्या है। दोस्तों इसकी थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इसके बाद अगला प्रश्न, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो यह इनका नाम दोस्तों महाधीर मोहम्मद, यह दोस्तों मलेशिया के नए प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, आरबीआई के द्वारा किस बैंक को सुधारात्मक कार्रवाई की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों इस बैंक का नाम है देना बैंक। इसके बाद अगला प्रश्न, ग्लोबल एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज 2018 का उद्घाटन किस शहर में किया गया। दोस्तों इस शहर का नाम है बम्बई, महाराष्ट्र में है। इसके बाद अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी ने फ्रांस के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। दोस्तों इस खिलाड़ी का नाम है नेमार। दोस्तों यह पेरिस के फुटबॉलर हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए निःशुल्क उपचार योजना शुरू की है। दोस्तों इस राज्य का नाम है गुजरात राज्य ने की है। इसके बाद अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर फतह पाने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है। दोस्तों का नाम है शिवांगी पाठक, यह दोस्तों ओनली 16 वर्ष की है। इसके बाद अगला प्रश्न, किस कंपनी ने देवालिया भूषण स्टील का अधिग्रहण किया है। तो इस कंपनी का नाम है टाटा स्टील ने। इसके बाद अगला प्रश्न, कोल इंडिया कंपनी के नए अध्यक्ष और निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका इनका नाम है दोस्तों अनिल कुमार झा को किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न, किस देश ने दुनिया के पहले फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण किया है। दोस्तों इस देश का नाम है रूस देश। इसके बाद अगला प्रश्न, निपाह एक जूनोटेक पैरामैक्स को वायरस है, यह किसके द्वारा फैलता है। दोस्तों यह फैलता है चमगादड़ के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न, हॉकी की 5वीं एशियाई चैंपियन ट्रॉफी किसने जीती है। दोस्तों इसका नाम है दक्षिण कोरिया ने जीती है। इसके बाद अगला प्रश्न, यरूशलेम में अपना दूतावास खोलने वाला पहला देश कौन सा है। दोस्तों इस देश का नाम है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने खोला है यहाँ पर यरूशलेम में अपना दूतावास। इसके बाद अगला प्रश्न, 32 मीटर ऊंचे सभ्यता द्वार का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। दोस्तों इस राज्य का नाम है बिहार राज्य। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति बनाई जा रही है। दोस्तों यह केरल राज्य में बनाई जा रही है। इसके बाद अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल पुलिस के महानिर्देशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। दोस्तों इनका नाम है वीरेंद्र सिंह को किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न, गिनी देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें चुना गया। दोस्तों यहाँ इनका नाम है इब्राहिम केरोसी। इसके बाद अगला प्रश्न, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान परियोजना का शुभारंभ करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों यह राज्य हिमाचल प्रदेश। इसके बाद अगला प्रश्न, छऊ मास्क को हाल ही में जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया। दोस्तों इनका नाम है पंकज शरण को किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न,
किस टीम ने वर्ष 2018 का बैडमिंटन थॉमस कप का खिताब अपने नाम किया है? दोस्तों इस देश का नाम है चीन देश। इसके बाद अगला प्रश्न, आरबीआई के पहले मुख्य वित्तीय कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों इनका नाम है सुधा बाल कृष्णन को। इसके बाद अगला प्रश्न, चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ आयोजित होगा? दोस्तों यह होगा देहरादून में आयोजित होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस कब मनाया गया? दोस्तों यह 29 मई को मनाया गया। इसके बाद अगला प्रश्न, किस देश की महारानी क्यून मैक्सिमा 4 दिवसीय भारत दौरे पर आई थी? इसका यह दोस्तों किस देश की थी? नीदरलैंड की थी। इसके बाद अगला प्रश्न, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यह रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। इसके बाद अगला प्रश्न, विश्व के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? दोस्तों वह बने हैं महाधीर मोहम्मद, यह दोस्तों 92 वर्ष के हैं और मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। इनके बाद इसके बाद अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा अपनी पहली विदेशी यात्रा में कौन कौन से देश के दौरा किया या कौन कौन से देश गए थे? जिनका देश का नाम है दोस्तों पेरू, ग्वाटेमाला और पनामा, यह तीनों देश की यात्रा की थी। इसके बाद अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सियाचिन का दौरा करने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? दोस्तों यह दूसरे राष्ट्रपति बने हैं जो सियाचिन का दौरा किया है। इससे पहले दोस्तों 2004 में सबसे पहले APJ अब्दुल कलाम गए थे सियाचिन का दौरा करने, और यह दूसरे राष्ट्रपति हैं जो सियाचिन का दौरा किया है, वह हैं रामनाथ कोविंद जी। इस वीडियो के साथ ही दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।